This conference will now be recorded. श्रावण कृष्ण अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी इति लोके दिनांक 19 ऑगस्ट 2022 रसरत्न समुच्चय अपस्मार चिकित्सा शंखं चक्रं जलकांदतमृतघटं चारु दोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश प्रथमतन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् कृष्णदस्तूर पंचांग कृष्णगो नवनीतकम् षड्गुणम् नवनीतात्तु माशकवातम् चतुर्गुणम् विद्या शिप्त्वा पच्यत् घृतं तत्तु पथ्यं शाको धनादिषु साकेषु कार्यम् स्यात् भोजने कृष्णगो ऐसा लगता है कृष्ण धस्तूर पंचांग उससे छह गुणा कृष्ण गो नवनीत का काले का नवनीत और नवनीत बात बात और चार गुणा माश का और फिर घृत पाचन करना है पथ्यम शाको दनादिषु और वो शाको उदन वगैरह में पथ्य है शाकेषु काकमाच्छी स्याद् भोजने कृष्ण गोपयः और शाक में काकमाच्छी का प्रयोग करना है और भोजन में कृष्ण गाय का दूध पीना है इस प्रकार से ये आसान है थोड़ा सा और इस प्रकार से काले दत्तुर के स्वांग पंचांग का एक भाग काली गाय का घी बताया है उन्होंने एक्चुअली नवनीत है छह भाग तथा यह गुरुत शाक तथा भोजन आदि उन्माद तथा अपस्मार के रोगियों के लिए पथ्य है उन्माद तथा अपस्मार में मकोए का शाक तथा काली गाय का दूध भोजन के लिए श्रेष्ठ है ये दोनों के लिए बताया सिर्फ ये कृष्ण दत्तुर पंचांग जो है
वो कितना जहरीला होता है ये थोड़ा, और उसको शुद्धि आवश्यक है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। कशाची चिकित्सा चालू है, उन्माद और अपस्मार। वास्तव में अपस्मार का चल रहा था, ये बीच में अभी उन्माद का भी शुरू हो गया। और नवनी तो इस प्रकार से डाल के सिद्ध घी बनाना, ये एक अलग बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, अब जब पाव भाजी बनाते हैं नवनीत डाल के, तो उसमें भी ये सब परिवर्तन होने के बाद उसका भी घी बनेगा, वो सब्जी में घुल जाएगा, लेकिन खास करके पाव भाजी में नवनीत का प्रयोग क्यों शुरू हुआ है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उस प्रकार से अन्य कोई शाक प्रचलन में है क्या, जिसमें अपने आप घी बन जाएगा इस प्रकार से? यहाँ तो घी ही बनाने का है तरीका। तो औषधियों के साथ इस प्रकार से घी बनाना नवनीत का प्रयोग करके, ये थोड़ा देखना चाहिए। देसी गाय के नवनीत को कोई बेचता नहीं है, घी बनाकर ही बेचते हैं। एक तो नवनीत का शेल्फ लाइफ कम है और फिर पैसा ज्यादा घी में मिलता है, तो ठीक है, हम तो बना सकते हैं। और काकमाची देखनी चाहिए, कृष्णगो नवनीत कहिए भी एक अच्छी चीज है। शतधा मारीचम चूर्णम कुष्पांडी पुष्प भावितम कुरिया तेने व चूर्णे न रात्रव अंजनम आचरित है। कुष्पांडी पुष्प भावितम, मारीच के महीन चूर्ण को सफेद घोड़ा के स्वरस के सर से 100 बार भावित करें और सुखा कर तथा महीन पीसकर कांच के शीशे में रख ले। इस चूर्ण को अपस्मार रोगी के नेत्र में रात को अंजन करे। इस प्रकार नियमित 3 दिन तक अंजन करने से अपस्मार नष्ट हो जाता है। इस महौषध को एक मास तक सेवन करें एवं नित्यं कृते याति तृतीय दिवसे ध्रुवम अपस्मार तथा मासम सेव्यमेतन महोषधम। ये तो काफी आसान है, लेकिन कुष्मांडी पुष्प भावितम बताया है या ने। कोहड़े का स्वरस डायरेक्ट बताया है यहाँ पे, देखते हैं अगर टीकाकरण कुछ किया है तो। कर्कोट पुष्प भावितम कुष्पांड पुष्प भावितम वा, तो 100 बार भावित करना है उसको, शायद उसकी तीव्रता ये कम करेगा मारीच चूर्ण की। फिर भी मरीच है तो दाह तो करेगा अपस्मार, लेकिन केवल अंजन से 3 दिन में अपस्मार नष्ट हो जाता है, आगे 1 महीने तक सेवन करना है ये बताया है, तो ये शायद उस हिसाब से अच्छा रहेगा। एवं नित्यं कृते याति दिवस तृतीय दिवसे ध्रुवं अपस्मारस तथा मासम एतत् सेव्यमेतन् महौषधम्। उद्बद्धमान वगलस उद्बद्धमान वगल व्यतिशक
तुम अग्नौ रज्जु विदह्य निपुणेन कृता मसीवा मसीया सा शीतलेन सलिलेन समं निपीता पुंसाम पस्मृतिविनाशकरी प्रसिद्धा उद्बुद्धमानवगलव्यतिशक्तम् अग्नौ रज्जु मरने के लिए मनुष्य के गले में बंधी रस्सी को आग में जलाकर तैयार की हुई मशी शीतल जल के साथ पान करने से यह पुरुषों के अपस्मारक रोग को नष्ट करता है, ऐसा प्रसिद्ध है। फांस के स्थान पर छोटे छोटे बालकों के गले में पहनाए हुए सूत को अच्छी तरह गंदा हो जाए तो उसकी मसी का भी पूर्वोत्तस्मार रोग में प्रयोग होता है। ये तो और अजीब है। तो कोई फांसी लेने की कोशिश कर रहा है और उसका जो रज्जु है उसको जलाकर उसकी मशी बनाना और वो शीत जल के साथ पीना पुरुषों के अपस्मृति विनाशकरी प्रसिद्धा। और इन्होंने बच्चों को भी इस प्रकार से गले में जो डाला गया है और गंदा हो गया है। अजीब है ये थोड़ा सा। अत तिलज दीपांजनम कृष्णम श्वानम स्थितम अनशनम स्थापयित्वा विरेकम पश्चात दधानासित तिलयुतम भोजनम भोजयित्वा तद्ग्रीवोत्थामित तिलज दीपांजनम लोचनस्थम चापस्मारम हति विद्रुतम नैम्बसारे शरावे। तद्ग्रीवोत्थामित तिलज दीपांजनम लोचनस्थम काले कुत्ते को एक दिन उपवास कर दूसरे दिन विरेचन औषध खिलाकर विरेचन कराया और इसके बाद तीसरे दिन दही तथा सफेद तिल मिलाकर खिलाए। असित अमित क्या है? असित तो काले तिल देने हैं, श्वेत तिल कहाँ से कराए इन्होंने। इसके बाद सायंकाल वामक औषधों को खिलाकर वमन कराए। वमन कराने के बाद वमन द्रव्यों में तिल निकाल कर धो ले और इन तिलों के साथ तेल पका ले या तिल को पेरवा कर तेल निकाल कर नीम वृक्ष की लकड़ी के बने शराब में रखे। यह तेल आंखों में अंजन करने से अपस्मार को दूर करता है। पश्चात दधनासित तिलयुतम भोजनम भोजयित्वा तत् ग्रीवोत्थासित तिल जदीपांजनम लोचनस्थम। अजीब है। पश्चात अनशनात् परदिने इत्यर्था असित तिलयुतम भोजनम दत्ता भोजयित्वा विरेकम वमनम। तो इन्हें अन्वय बदल लिया है। विरेक शब्दात्रा विरिच्यते दोषानेन इति व्युत्पत्ति वमनार्थे प्रयुक्ता इति अवधातव्यम् स्थापयित्वा कारयित्वा धातूनाम् अनेकार्थत्वात् इत्यत्र कारयित्वा इति पाठांतरम् नैम्बसारे शरावे निम्बकाष्ठकृते शरावाकारे भाजन विशेषे विद्रुतः गृहीत
गृहीत विद्रुतम गृहीतम तदिति तत्कुक्कुरस्य ग्रीवोत्थात। अत्र ग्रीवा शब्देन कंठोभिप्रेतः, ततश्च वमनवेगेन कंठ निःसृतात् इत्यर्थः। असिततिलात् अन्नेन सह भोजितात् जायते इति असत्तिलज कृष्ण तिलतैलतस्य दीपः तल तैलेन प्रज्वालित प्रदीपः तस्य यद्वा तद्ग्रीवा ग्रीवोत्थस्य कुक्कुरग्रीवाया स्थितस्य ग्रीवादेशे प्रज्वालितस्य इत्यर्थः। असिततिलजदीपस्य दर्शितप्रकारेण गृहीततिलतैलकृतप्रदीपस्य अञ्जनं दीपशिखीभूतं कज्जलम् इत्यर्थः। ये तो काफी अलग किया है इन्होंने। शराब में रखे ऐसा होगा, शराब मुझे लगा, और तेल का अंजन तो नहीं करना है। दीपांजनम इस प्रकार का है। और वो अंजन निम्बसार के इसमें रखना है। काफी अजीब पाठ है। तो टीकाकार का कहना और हिंदी भाषांतर का कहना काफी अलग अलग इस प्रकार का है। टीकाकार का ज्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ ये कृष्णम स्थाश्वानम स्थितम अनशनम स्थापयित्वा विरेकम पश्चात दध्नासिततिलयुतम भोजनम भोजयित्वा तद्ग्रीवोत्थासिततिलजदीपांजनम। तो पहले विरेक का अर्थ क्या करना है? पहले वो जो तिल बाहर निकलते हैं उनसे तेल बनाना, और ये उसका दीप जलाना, और फिर उसमें जो कज्जली तैयार होगी वो निम्ब पात्र में रखकर उसका अंजन करवाना। शायद करके देखेंगे, पॉसिबल होगा तो। स्थापयित्वा पश्चात दध्नासिततिलयितं भोजनं भोजयित्वा विरेकं कारयित्वा वगैरह वगैरह। असिततिलयितं भोजनं दध्ना भोजयित्वा विरेकं वमनं कारयित्वा धातूनां नकारतत्वात्। नम्यसारे शरावे निम्बकाष्ठकृते शरावाकरणि भाजन विशेषे विद्रुतं गृहीतं तदिति तस्य कुक्कुरस्य ग्रीवोत्थात् अत्र ग्रीवाशब्देन कंठोभिप्रेतः ततश्च वमनवेगेन कंठनिःसृतात् इत्यर्थः। असिततिलात् अन्नेन सह भोजितात् जायते इति असिततिलज कृष्णतिलतैलं तस्य दीपः तत्तैलेन प्रज्वालितः प्रदीपः तस्य यद्वा तद्ग्रीवोत्थस्य कुक्कुरग्रीवायाः स्थितस्य ग्रीवादेशे प्रज्वालितस्य इत्यर्थः। ये तो काफी मुश्किल लगता है। असिततिलज दीपस्य दर्शित प्रकारेण मृद गृहीत तिलतैल
कृत प्रदीपस्य अञ्जनं दीपशिख दीपशिखी शिखोद्भुतं कज्जलम् इत्यर्थः। तो ये एक दूसरा एक कहता है पुष्योधृतम शुनक पित्तम अपस्मारग्नम अंजनम, ये वाग्भट में आया है कि पुष्य नक्षत्र पे कुत्ते का पित्त निकालते हैं तो वो अपस्मारग्न अंजन इस प्रकार का है। तो इसमें पुष्य नक्षत्र का एक अलग महत्व थोड़ा सा रहेगा। चंड भैरव रस हेमनाशुद्धेन संपिष्टं दशमांश रसं विषम स्रोतोजं मर्दितं तो येहि शूलिनी देवदालिजैहि गंधकस्य पचेत् तैले वटिकोन्मादनाशिनि। हेमनाशुद्धेन संपिष्टं दशमांश रसं विषम स्रोतोजं मर्दितं तो ये शूलिनी देवदालिजैहि। उन्मादरुन्मता स्वर्ण भस्म एक भाग शुद्ध पारद एक भाग शुद्ध वचना विष एक भाग श्रोतोंजन एक भाग एक भाग कहां से लाया और रहा पे दशमांश रसम विषम। तो शुद्ध स्वर्ण एक भाग दशांश रस और दशांश विष ऐसा होगा, सभी को एक एक भाग कर दिया यहाँ पे और स्रोतोज एक भाग तो यही शूलिनी देवदाली नहीं जाए देवदाली गई है। और फिर चित्रक के क्वात तथा बंदाल के क्वात से 7 बार भावित कर सुखा ले। इसके बाद गंधक को तेल के साथ मंदाग्नि पर पकाकर स्वांग शीतल होने पर बड़ी बना ले। गंधकस्य पचेत तैले वडिकोन मादरुन्मता दशमांश रसम विषम दशमांशम विषम विषम रसम इति पाठांतरम स्रोतोजम संविरांजनम वा तो ये ही स्वरसे ही क्वाथेर्वा तो ये रीति बहुवचनम सप्तधा भावना बोधनार्थम शूलिनी शूलपत्री शोला इति वंगे ही आख्यातम अयम अर्थात स्वर्ण विष स्रोतोजानां प्रत्येकं तुल्य भागम पारदस्य च स्वर्ण अपेक्षया दशभागता दशमांशता। तत्सर्वम् एकीकृत्य शूलिनी देवदाली रसे ही सप्त सप्त वारान भावयित्वा च गंधक तैलेन सह मृदु पचेत् इति। रसरत्नाकर रसस्य हेमपादत्वं विषम हेमतुल्यं तथा स्रोतोजम इत्यत्र शोभांजनं शूलिनी इत्यर्थः च त्रिशूली इति पाठभेदो दृश्यते तथा च हेमपादं सुतं विनिष्टखल्ले विमर्दयेत् शोभांजनं विषम तुल्यं मर्द्यंच त्रिशूली द्रवैः देवदाल्या द्रवैश्च चान्निम् तद्गोल पाचेधिमं गंधकी गंधकोत्थेन तैलेन सप्त उद्धृत्य चूर्णयेत् मासैकं भक्षे नित्यं पिबेत् ब्राह्मी घृतं यनु सर्वभूतग्रहं हन्ति रसोऽयं चण्डभैरवः। फलश्रुति में सिर्फ भूत है और यहाँ पे उन्मादरुत इस प्रकार का बताया है।
लेकिन गंधक का तेल ये समझ में नहीं आ रहा। इस पर गंधक द्रुति होती है, वो तेल जैसी होती है। मालूम नहीं ये। तो सुवर्ण के दसवां भाग रस विष और स्रोतोज ये सब लेने हैं, और फिर शूलिनी और देवलादि और से 7 बार भावना देके गंधकस्य पचे तैले, गंधक तेल में पचन करके गुटिका बनानी है। मालूम नहीं बनाना, उतना आसान नहीं होगा। बिलोह पिष्ट स्रोतोज सृष्टित्रय युतम रसम भक्षयत पूर्ववत सिद्धम अपस्मार प्रणुत्तये। त्रिलोह है का? त्रिलोह पिष्ट स्रोतोज सृष्टित्रय युतम रसम, त्रिलोह स्वर्ण रजत ताम्र पिष्ट सीसा भस्म है, शुद्ध स्रोतोंजन सृष्टि वृद्धि का चूर्ण, त्रय वृद्धि चूर्ण सोमरात्रि सोमराजी चूर्ण तथा रस सिंदूर, अथवा सृष्टित्रय अभ्रक भस्म शुद्ध मनशिला तथा शुद्ध गंधक और रस। संभाग इन सबों को घरल में एक दिन तक अच्छी तरह घोट कर देवदाली तथा अपस्मार नाशक औषधियों के काव के सरस के साथ घोट कर गंधक तेल में पकाकर सिद्ध कर ले। इस रस को अपस्मार दूर नाश हर नाशक शंख पुष्पी वच ब्राह्मी कुष्ठ आदि के चूर्ण तथा शरद शहद के साथ प्रतिदिन अपस्मार को नष्ट करने के लिए सेवन कराए। इतना तो कुछ लिखा नहीं है। त्रिलोह पिष्ट स्रोतोज सृष्टित्रयुतम रसम भक्षयेत पूर्ववत सिद्धम। पूर्ववत का मतलब है गंधक का तेल में करना है, अपस्मार प्रणुत्तये। सुवर्णम रजतम राम्रम दयम एतत् त्रिलोहकम् इति उक्त रूप स्वर्णादि धातु त्रयम् पिष्टम सीसकम् स्रोतोजम नीलांजलम् सृष्टि रुद्धि सृष्टि त्रयत्र सृष्ट इति पाठांतरम् तत्र त्रय सोमराजी रस सिंदूरम सर्वेषां तु तुल्य भागाता पूर्ववत् सिद्धवती शूलिनी देवदाली जैहि तोयैहि मर्दयित्वा गंधकतैलेन पाचितम् इत्यर्थः। तो ये फिर से गंधक तेल के बारे में बात कर रहे हैं। तथैव पर्पटी सूत ब्राह्मी रस विमिश्रितम् सूतक प्रत्याख्योसौ उन्मादापस्मृतिर् हरेत्। इसी प्रकार पर्पटी रस तथा पारद भस्म संभाग इन दोनों को ब्राह्मी स्वरस या क्वाथ के आरोपण के साथ सेवन करते हैं तो उन्माद तथा अपस्मार रोग को दूर करता है। तो इसका ऊपर से कुछ संबंध नहीं है, पर्पटी प्रागुक्त पर्पटी रस सूतक प्रत्याख्य सूतक प्रत्यय इति संज्ञक असौ रसा इति शेषा सूतक प्रत्याख्य इति पाठे प्रत्याख्या सूतका रसा इत्यर्थः। तो एक अलग ही योग हुआ। इसको सूतक प्रत्याख्य कहते हैं। पर्पटी सूत ब्राह्मी रस विमर्दितम विमिश्रितम ये।
ये थोड़ा आसान है, वो परपटी रस पीछे भी आ गया है। एक बार फिर से देखना पड़ेगा परपटी रस निर्माण, और उसमें रस सिंदूर और बामी रस की भावना, या बामी में रस के अनुपान के साथ उन्माद और अपस्मार दोनों में है। अर्पट रस प्रयोग विधि, परपट रस गुंजाष्टौ नाकुली बीज पंचकम गोघृतेन तु संयोज्यम खादयत उन्माद शांतये सगृतम आशमंडन च पावये पाये घृत दुग्धकम। परपटी रस 8 गुंजा, नाकुली कंदक है बीच 5। इन दोनों को गाय के घृत में मिलाकर उन्माद की शांति के लिए प्रतिदिन खिलाइए। नाकुली कंद, नाकुली बीज पंचक, ये तो पता नहीं है। उड़द के मंडयूष को भी मिलाकर या दूध में पिला मिलाकर पान कराइए। पर्पटी रस गुंजाष्टौ ब्राह्मी रस समन्वितम खादये रोगिणाम वैद्योपस्मारस्य प्रणुत्तये। ये भी सिंपल है। तो पर्पटी रस का फिर विधान देखना चाहिए कहाँ पे आया था। रसम नारंग मूलस्य दंती पाठा पृथक पृथक फलम एकम फेनम फलम अर्क मूलन तथैव च फलम शश विषाण च शश विषाण त्रिफला च फलत्रयम् एतेषां क्वाथ संयुक्तम् दिनानि त्रीणि मर्दयेत् अम्लपेतस संयुक्तम् अर्कक्षीर समन्वितम् पंच पंच दिने तत्वत् अमरी रस संयुतम त्रिसप्त दिवसम तद्वन वर्धयत सिद्धम औषधम पिष्टम चित्रक निष्क्वाथे वल्लत्रय निषेवितम उदा उन्मादाप स्मृति हन्याद एष सर्वेश्वरो रसः। रस सिंदूर एक पल, नारंग मूल दंती मूल पाठा फेनमल अफीम के डोड़े का बीज, फेन फल मंदार की जड़, मृग श्रृंग भस्म त्रिफला, मृग विषाणम च है यहाँ पे, फलम विष मृग विषाणम च त्रिफला च फलत्रयम्। यहाँ शश कैसे आ गया? फलम शश विषाणम च त्रिफला च फलत्रयम्, क्योंकि शश विषाण तो होता ही नहीं है। शश विषाण मृग श्रृंग शश शब्द मृगवाची शशधर शशलांचन इत्यादि दर्शनात् मृग विषाणम इति पाठांतरम्। ठीक है, अजीब है। एक कोलटकर सर का अजीब अनुभव हो रहा था। वो क्लिनिक में बैठे थे, काफी माहौल था, भीड़ थी, बहुत सारे मरीज बैठे हुए थे, और एक उन्मादग्रस्त औरत वहां पे प्रविष्ट हुई, और वो उसी इलाके में घूमती थी।
तो उसने डायरेक्टली सर से कहा कि तुमने मुझे औषध नहीं दिया, तुम औषध देने वाले थे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो सर ने कहा कि हाँ मैं औषध बनाने वाला हूं, लेकिन मुझे ये शशक का श्रृंग चाहिए, वो लेके आओ तो फिर मैं औषध बना दूंगा। तो वो सुनकर वो सशाची शिंगे करके वहां से बाहर निकल गई। तो ये प्रत्युत्पन्न प्रत्युत्पन्न मति का नमूना इस प्रकार का है सर के। तो यहाँ शश विषाण देखकर शश का अर्थ मृगो होगा, ये कोई सोच नहीं सकेगा। नारंग मूल दंती पाठा फेन फल अर्क मूल त्रिफला नाम अष्टा नाम क्वाथेन रसादि त्रिफलांतम द्रव्य दशकम दिवस त्रय मर्दय तथा अम्लवेतस संयुक्तम अम्लवेतस क्वाथ संयुक्तम अर्क क्षीर समन्वितं च कृत्वा अम्लवेतस क्वाथेन अर्क क्षीरेण च प्रत्येकं दिनत्रयं मर्दयेत् पंच पंच दिने प्रति पंचम दिवसे अमरी रस संयुक्तम अमरी कृष्ण पुष्पा निर्गुंडी नील दुर्वावा। तो अत्र अयम आशयः नारंगादि क्वाथेन दिवसत्रं मर्दयित्वा एकदनं विश्रम्य परदिने भ्रमरी अमरी रसेन मर्दयेत् एवं अम्लवेतस क्वाथेन अर्कक्षीरेण च मर्दयित्वा कार्यम् त्रिसप्तदिवसमिति चित्रक निष्कास्ते इत्यनेन संबध्यते पिष्टं चूर्णीकृतं चित्रक निष्कास्ते इत्यत्र त्रिकटुक्वाथे इति पाठान्तरं। बाप रे। तो सर्वेश्वर रस है, नारंग मूल क्या है मालूम नहीं है, और फेन फल ये पोस्तका ढोर या अपू का फल इस प्रकार का है। और अमरीका निर्गुंडी ये नया नाम सामने, या नील दुर्वा। कृष्णे पंचनवैव सन्धिषु दशत्रीण्येव शुक्लेऽखिले जाता षोडशवर्त्मजा खलु चतुर्विंशो दृशो विंशतिर् दृशोर्विंशतिः सप्तातङ्कयुताश्चतुर्नवतिरित्यक्ष्णोरशेषामयान् यो वेत्ति व्यपहर्तुमेष विदुषाम् अग्रे समर्थो भवेत्। तो उन्मत्त खत्म हो गया। सर्वेश्वर रस किसी का मिलता है क्या, देखना चाहिए। तो कृष्ण मंडल में पांच, संधि में नौ, दशत्रीणी एवं शुक्ले अखिले और शुक्लगत 13, जाता षोडश वर्त्मजा और वर्त्मरोग 16, खलु चतुर्विंशो दृशोर विंशति। कुछ गड़बड़ हुई क्या। कृष्णे पंचनवे संदेशु दशत्रीणी एव शुक्ले खिले, नेत्र के संपूर्ण श्वेत पटल में 13, वर्त्म प्रदेश में 16, दृष्टिमंडल में 24, खलु चतुर्विंश विंशोर दृशोर विंशति सप्तातंकयुताश चतुर्नवति तक्ष्णोर अशेषामयान से 24 तथा नेत्र के शेष भाग में 27। आतंक समायुताश पुनर चतुर नवतिरिति चतुर नवति, तो ये कुल मिलाकर 94 हो जाते हैं।
ये नेत्र विकार में प्रविष्ट कर गए और सिर्फ संख्या संप्राप्ति बताई है। कृष्णेत कृष्ण नेत्र कृष्ण मंडले दृष्टि मंडल वेष्टने यावत पंचम पंच संख्या संख्या कातंका यो वेत्ति इति अन्वय इत्याग्रहण अन्वया संधिषु कन्दनिकादिषु षट्सु संधिषु नव। ये षट संधि है, यहाँ कहाँ पे आए हैं? हे देखे क्या टोस्ट के वहां बिस्किट देख संधिषु कन्निकादिगतेषु षट्सु संधिषु नव संधेयसु षडिति उक्तम सुश्रुतेन। कन्निका गतो पर ठीक है, अखिले संपूर्णे शुक्ले शुक्ल भागे नेत्रे और एव इति शेषा दश त्रिण्येव त्रयोदश इत्यथा अथ त्रीणि नपुंसक प्रयोगश्चिन्त्या रोगवाचकानां पुल्लिंगत्वात् त्रीणेव इति कल्पना साध्वी। वर्त्मजा चतुर्गोलकावरक निमेषोन्मेषाश्रया पटलत्रय पटलद्वयं वर्त्म उच्यते तद्वता आमया षोडश जाताः दृशो दृष्टिमंडल चतुर्विंशः विंशति सप्त आतंकयुता सप्तविंशति रोगाः पारिशेष्यात् नेत्र सर्वगता इति बोध्यम्। तंत्रांतरे नेत्र सर्वगत रोग निदानाभिधानात् तच्चिकित्साभिधानाच्च अत्र कृष्णभागादिगत रोगाणां संख्यानम् तो इतने रोग है, ये सर्व भी नेत्र रोग है, इतना ही यहाँ पे बताना है इस प्रकार से। अतः नेत्र रोग चिकित्सा अतः नागादिवर्ति शलया निहितम नागम रसराज प्रपेशितम द्विगुणं तुत्थम ईशं ईषच्च कर्पूरं द्रोण पुष्पजैः रसैर् विमर्दये वर्तिः एषा अभिषन्दनाशिनी। तो ये नाग का मतलब सीसा होगा, नाग शिलया निहतम नागम, तो शिला का मतलब शिलाजीत हो सकता है, नहीं तो मनशिला हो सकता है। मनुष्य के साथ भस्म किए हुए नाग को संभाग पारद में घोट कर तथा द्वौ काल दो मास दो भाग तूतिया मिला दे, चौथाई कपूर मिलाकर द्रोण पुष्पी के स्वरस के साथ घोट कर छोटी छोटी वर्ती बना ले एवं शीशे के पात्र में सुरक्षित रख ले। इस वर्ती को जल के साथ घिसकर नेत्र में लगाने से नेत्राभिषंद को नष्ट करता है। द्रोण जब द्रोण पुष्प जयि रसे मालूम नहीं किसी ने की है या नहीं है। देखना पड़ेगा।
तारपासरस पिष्टेन्दु मधुशुल्ब रसांजन वाताभिषंद ताम्रे वाताभिषंद जे ताम्रे तिलपर्ण्यम रूप मर्दितम। पिष्ट सीसा भाग इंदु कर्पूर मुलेठी ताम्र भस्म रसांजन इन सबों को ताम्र के खरल में रखकर उसमें कपास की जड़ का रस तथा तिलवर्णा के क्वाथ के साथ एक सप्ताह मर्दन कर वर्ती बना ले तथा सुखाकर शीशी में रख दे। इस वर्ती को जल में घिसकर वातजन्य वैश नेत्राभिषंद रोग में अंजन करे, अर्थात इस वर्ती के लगाने से दूर होता है, शांत होता है। शीशे के ही है। अतः श्लेष्माभिषंदे शुल्बादि वर्ती शुल्बो जीमूत लोहं च सीसम च समभाविकम द्विगुणं च अंजनम जाति तिलपर्णि मयूरजैः पिष्टम निर्गृष्ट दध्यर्के। दधनी और अर्क ऐसा होगा। श्लेष्माभिषंदन आसनम, ये थोड़ी अजीब बात है कि अभिषंद रोग के बारे में काफी वर्णन संहिताओं में है और ये केवल स्थानिक जैसा नहीं दिखता, सार्वदेहिक रोग जैसा दिखता है। अब ये आठवले राजवाड़े और शिगो जोशी इनकी एक जो निदान की किताब प्रसिद्ध हुई है रोग विनिश्चय, ऐसा ही है मेरा ख्याल में नाम उसका, उसका रिप्रिंट भी हुआ था बाद में एक बार। वो सीसीएम ने जैसे सोचा था कि अध्यापकों का यह कर्तव्य रहेगा कि सभी विषय जो है वो अध्यापक इकट्ठा करे और उसके आधार पर किताबें लिखे और छात्रों तक ग्रंथों का मूल विषय पहुंचाए। उसके मुताबिक इस प्रकार का था, मुझे मुझे पक्का याद नहीं है नाम उसका जो है तो, लेकिन ये काफी बड़ी किताब थी, मराठी में है और सभी संदर्भों का चयन अच्छी तरीके से किया गया है। तो नेत्राभिषंद के बारे में सवाल पूछे जाते थे परीक्षा में और हम वो सब कंठस्थ करके लिख देते थे, लेकिन व्यवहार में कभी इतनी बड़ी नौबत नहीं आई। एपिडेमिक्स आते रहे इस प्रकार के नेत्राभिषंद के। हर एपिडेमिक्स में एलोपैथी की दवा बदलती गई लेकिन हमारी दवा कभी बदली नहीं। त्रिफला, यष्टि, रजनी वगैरह इस प्रकार के क्वाथ का आश्रोतन करना और विश्राम लेना, इससे बात हो जाती थी और दो तीन दिन में लोग ठीक हो जाते थे। एलोपैथी में टेरामाइसिन से लेकर जेंटामाइसिन तक काफी इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स प्रचलन में थी, प्रचलन में आती रही। अभी बहुत बरसों में इस प्रकार के कंजंक्टिवाइटिस की एपिडेमिक नहीं हुई है, नहीं तो ये हर दो तीन बरस के बाद होता था और काफी खतरनाक हो
होता था क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों में फैल जाता था। लेकिन उसके सार्वदायिक परिणाम कभी नहीं देखे इस प्रकार से, और जितनी इलेबोरेट चिकित्सा ग्रंथों में बताई है उतनी इलेबोरेट चिकित्सा करने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। तो शायद उस जमाने में ये बहुत ही सख्त बीमारी इस प्रकार की थी अभिषंद की, और उतने बड़े पैमाने पर उसकी चिकित्सा करनी पड़ती थी। अभी शायद ये बात नहीं रही इस प्रकार से, लेकिन जो किताब बनी वो अच्छी बनी, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। अभी मालूम नहीं उस प्रकार की किताब कितनी बनेगी नहीं बनेगी, ये अलग बात इस प्रकार की होगी। दूसरी एक बहुत अच्छी रिसर्च वाली किताब मैंने जो देखी है, ये अष्टांग संग्रह के शारीर स्थान निदान स्थान पब्लिश हुए थे, चित्रशाला प्रेस ने पब्लिश किए थे पुणे में, किंजवड़ेकर संपादित है इस प्रकार से। और उसमें अष्टांग हृदय चरक सुश्रुत से क्रॉस रेफरेंसिंग था, नीचे ऊपर अष्टांग संग्रह का पाठ और नीचे तलटिप में उसके पैरेलल जो पाठ अष्टांग हृदय या चरक या सुश्रुत में इस प्रकार के है वो दिए थे। अब ये बात है 1950 वगैरह की जब ये पब्लिश हुआ था, और किसी को शायद उसका महत्व समझ में नहीं आया। जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे तो आसान हो गया है, उसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन जब कंप्यूटर के बारे में किसी के मन में सोच भी नहीं थी 1950 में, तब इस प्रकार का काम करवा लेना कर पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। अभी भी मुझे लगता है कि कंपैरेटिव स्टडी अगर इस प्रकार का अक्रॉस द टेक्स्ट होता है तो एक बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। अब मैं मानता हूं कि क्रिटिकल स्टडी के बजाय क्रॉस चेक स्टडी ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रिटिकल एडिशन में एक ही ग्रंथ की सभी उपलब्ध जो हस्तलिखित प्रतियां हैं उनको लेकर संशोधन किया जाता है, लेकिन उससे बेहतर है कि उसके पूर्व या पश्चात या समकालीन जो भी अन्य ग्रंथ होंगे उनमें इस प्रकार का रिफ्लेक्शन कैसे आता है, कंपैरिजन कैसे होती है, ये करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। और कंप्यूटर के जरिए अगर एडिटेबल फॉर्म में टेक्स्ट उपलब्ध है तो कंपैरिजन आसान इस प्रकार की होगी। तो इस प्रकार के जो कार्य किए गए हैं ये काफी प्रशंसनीय है इस प्रकार के हैं, और उस जमाने में जबकि कंप्यूटर का कुछ भी ज्ञान नहीं था तो उस जमाने में इस प्रकार के कार्य किए गए हैं ये काफी प्रशंसनीय है इस प्रकार के। दुर्दैव से कोई जानता तक नहीं है इनको कि ये इस प्रकार के काम हुए हैं, ये भी किसी को मालूम नहीं है। आज के जमाने में तो ये कर सकते हैं कंप्यूटर के आधार पर, और एक कंपैरेटिव व्यू अगर प्राप्त हो जाता है ग्रंथों का तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, ये तो दिखा नहीं रहा इस प्रकार के श्लेष्मा भी छंद का जो है वो। रसेंद्र भुजगौ तुल्यौ ताभ्यां द्विगुण मंजनम ईषत् कर्पूर संयुक्तम दशमांशं च सर्जकम बला नाग बला जाजी रसैस्ताम्रे तिन्दत्रयम् मर्दितम् स्यादभिश्रन्दे संधिपातात्मके हितम्। तो ये नाग बार बार आता है सभी में, रसेंद्र का मतलब पारा ऐसा ले सकते, पारद ले सकते हैं, और भुजग नाग तुल्य, और द्विगुण अंजन उसका
थोड़ा कर्पूर डाल के दशमांशं च सर्जकम, सर्जक यहाँ पे है पाठ। अच्छा सर्जर से राल ही है, मुझे लगा था राल है लेकिन कंफर्म नहीं कहता। सभी द्रव्यों को एकत्र अच्छी तरह मर्दन कर ले और ताम्र ताम्र के खरल या कटोरी में डालकर बला नागबला तथा तो चमेली के रस के क्वाथ के साथ 3-3 दिन तक मर्दन कर सुखावे तथा तो चूर्ण बनाकर रख ले। यह चूर्ण तन्निपात जन्य अभिषंद को नष्ट करता है। ये ताम्र पात्र का उल्लेख एक आ रहा है निर्देश बार बार। तो ताम्र पात्र में इस प्रकार से खल करना, ये एक अलग इस प्रकार की बात होगी। वैसे शतदौत कृत बताते समय ताम्र पात्र का प्रयोग करना है ऐसा बताते हैं, तो 100 बार घृत धौत कर लेना है इस प्रकार से। तो वो ताम्र का पात्र वहां पे प्रयोग में लाना है ऐसा बताते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे ताम्र पात्र। यह शुल्ब जीमूत लोहम सीसन च सबम भागिकम, इसका भी है ताम्र जीमूत यानी कि अभ्रक लोह भस्म सीस तथा नीलांजना जाति तिल परणी मयूर जय ही पिष्टम निर्घृष्ट दध्यर के श्लेष्माभिशंदनाशनम। अपामार्ग के क्वाथ के साथ सप्ताह भावित कर सुखा ले और शीशे में रखकर जाति तिल परणी मयूर है, इसका कुछ लिखा नहीं इन्होंने। हाँ ठीक है। ताम्र पात्र में दही के साथ घिस कर दधि अर्के, अर्क का मतलब ताम्र पात्र है, कफचंद्राशिशंद में लगाइए। अभी नेत्राभिशंद ही कम दिखते हैं। तो नागभस्म का काफी जगह प्रयोग है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। अतः पित्ताभिशंदे तीक्ष्णादिवर्ती चूर्णम तीक्ष्णस्य ताम्रस्य रसेन्द्र समचारितम रसांजनं च द्विगुणं वर्षा भू रसमर्दितम शर्करा माक्षिकोपेतम पित्ताभिषंद सूदनम। तीक्ष्ण लोह भस्म एक भाग, ताम्र भस्म एक भाग, शुद्ध मर्द 2 भाग और शुद्ध रसांजन 2 भाग, इन सबों को एकत्र कर गदपूर्ण वर्षाभू, तो वर्षाभू का तो पुनर्नवा है एक्चुअली। इसके बाद उसमें चीनी तथा शहद मिलाकर वर्ती बना ले। इस वर्ती को शहद या जल के साथ घिस कर नेत्रों में लगाने से पित्त नेत्राभिषंद को नष्ट करती है। शर्करा माक्षिकोपेतम पित्ताभिषंद सूदनम। नागपारद धात्री इंदु रत्नाज कणसैन्धवम् रसाञ्जनं कणाक्षौदनं ताम्बूलीपत्रवारिणां ताम्रेण मर्दितं कांस्ये पित्राभिषन्दमन्थनुत्। तो अधिमंथ की भी चिकित्सा है ये शायद। नाग भस्म शुद्ध पारद आंवला का चूर्ण कर्पूर मुक्ता भस्म गाय का घी पीपर का चूर्ण
सेंधा नमक रसायन जंत पीपर का चूर्ण तथा शहद इन सबों को एकत्र कर कांसा के पात्र में ताम्र के मुसली से तांबुल पत्र के स्वर्ग के साथ अच्छी तरह मर्दन कर ले और वर्ती बनाकर छाया में सुखा दे। जल में घिसकर नेत्रों में लगाए पित्तजाभिसंध तथा अधिमंत को नष्ट करती है। तो कांस्य पात्र में ताम्र से मर्दन करना है, ये भी थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। तो ठीक है, और रत्न का मतलब यहाँ पे मुक्ता इस प्रकार का किया है, इंदुरत्न। इंदुरत्न का मतलब शायद ये मुक्ता इस प्रकार का होगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्य तंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन् निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्तम् प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति। इस रविवार को मैं ये कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस के बारे में लेक्चर लेने वाला हूँ। 7:30 बजे सुबह है, इसी गो टू मीटिंग पर मिलेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जो करना चाहते हैं, वो सभी उसमें जुड़ जाए। और मैं इसका ब्रांडिंग करना चाहता हूँ, अमृतवेद सर्वांगीण उपचार, इस प्रकार से उसका ब्रांडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कल्पना जो है वो पूरी तरीके से बता दूंगा।